brought to you by Techno Camon 30 series. व्यापारी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज यहाँ इतनी भारी संख्या में, जब बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आप लोग अपना अपना काम से टाइम निकाल के यहाँ पे इकट्ठे हुए, इतनी बड़ी संख्या में जलंधर के सभी व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी, दुकानदार, आप सब लोग आए हैं। आप सब लोग एक तरह से ना केवल जलंधर बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार बहुत इज्जत करती है आप लोगों की, और आपके योगदान को हम मानते हैं। कुछ सरकारें ऐसी हैं, एक बार मोदी जी ने कहा था कि आढ़ती जो हैं वो दलाल होते हैं, कई सरकारें मानती हैं कि व्यापारी चोर होते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी, दुकानदार किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और हम आपको कितनी तवज्जो देते हैं ये इस बात से सोच लीजिए कि अभी मैं दिल्ली का चुनाव खत्म करके जैसे ही पंजाब में आया, उस दिन अभी 4-5 दिन पहले, सबसे पहली मीटिंग मैंने फिरोजपुर में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ की। इस टाइम जितने भी दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, सभाएं करने में लगे हुए हैं, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हर रोज मैं जिस शहर में होता हूं सबसे पहले अपना दिन शुरू करता हूं उस शहर के व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करने के बाद मैं बाकी लोगों से मिलने के लिए जाता हूं। तो आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप हमारे नौजवानों को रोजगार देते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, उसी से देश चलता है, उसी से राज्य चलता है। ये मेरी आपके साथ पहली मुलाकात नहीं है, पिछले 2 साल में मैं कई बार आया हूं आपके बीच में, और मुझे याद है पिछले साल मैं और भगवंत मान साहब हम दोनों आए थे, सारे अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेके आप लोगों के बीच में। आपने जितने काम लिखवाए थे उनमें से कई सारे काम हो गए, कई सारे काम चल रहे हैं, कुछ काम अभी होने बाकी हैं, उस पर काम चल रहा है, लेकिन ये तो जिंदगी है। उस वक्त आपने मान लो 100 काम लिखाए थे, ऐसा नहीं कि वो 100 ही होंगे, अब आज 100 और नए काम पैदा हो गए होंगे। तो ये रिश्ता है हम लोगों का आपके साथ, ये जो रिश्ता बना है ये रिश्ता अब जिंदगी भर चलेगा, लंबा रिश्ता चलेगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने 2 साल पहले हमें भारी बहुमत से जिताया था, ऐतिहासिक बहुमत, पंजाब के इतिहास में 117 में से 92 सीट आज तक कभी किसी पार्टी को पंजाब के लोगों ने नहीं दी। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप लोगों का हमें इतना प्यार और इतना विश्वास मिला है अभी तक, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम ऐसा अच्छा काम करते रहें ताकि आपका ये प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे, इसमें कभी कुछ कमी ना आए, ये बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। पिछले 2 साल में एक चीज तो आपने देखी होगी, हमने कई काम शुरू किए, कई काम कर दिए, लेकिन 75 साल में जो सारा मामला खराब होने लगा था, कोई सेक्टर उठा के देख लो, बिजली खराब थी, सड़कें खराब थी, पानी खराब था, अस्पताल खराब थे, सब कुछ खराब था, लूट मचा रखी थी हमारे से पहले इन पार्टियों ने। अब वो जो उल्टी दिशा में सारी गंगा बह रही थी, अब उसकी दिशा बदलने लगी है, चीजें सही होने लगी हैं। बिजली फ्री हो गई कि नहीं हो गई सबके घर के लोगों, किस किस की बिजली फ्री हो गई जरा हाथ खड़ा करके बता दो, बिजली फ्री हो गई। हमारे से पहले वाली सरकारें कहती थी घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, पैसा नहीं है।
इतना लूट के गए हैं ये लोग, मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने पैसे बचा बचा के, भ्रष्टाचार खत्म कर करके पैसे बचा बचा के आपकी बिजली फ्री कर दी। अब मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने देखे मोहल्ला क्लिनिक, कब सुना है आप लोगों ने? आम आदमी क्लिनिक जगह जगह अच्छे हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया है मोहल्ला क्लिनिक, दवाइयां फ्री उसमें, डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। कई जगह बन गए हैं, कई जगह अभी और बन रहे हैं। उसी तरह से स्कूल अच्छे होने लग गए, सरकारी स्कूल शानदार कर रहे हैं, कई स्कूल कर दिए, अभी 20,000 स्कूल हैं पंजाब में, सारे स्कूल कर देंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बच्चों को नौकरियां देनी शुरू करी हैं, 50,000 के करीब बच्चों को सरकारी नौकरियां, नई सरकारी नौकरियां मिली हैं, ये छोटी बात नहीं है दो साल के अंदर। सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो सरकारी नौकरियां मिलती थी उसके लिए या तो रिश्वत देनी पड़ती थी या सिफारिशी अपने अपने लोगों को देते थे, एक भी नौकरी सिफारिश से नहीं दी है, एक भी नौकरी रिश्वत लेके नहीं दी है, किसी बच्चे से पूछ लो, सारी नौकरियां मेरिट पे ईमानदारी के साथ गरीबों के बच्चों को, मेरिट वाले बच्चों को, जिसका हक था उन बच्चों को मिली है। पहली बार ये हो रहा है पंजाब के अंदर। जो बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे उनको पक्का करने का काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं हम लोगों ने, लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने के लिए आया हूं। हमेशा मैं मांगता ही हूं, छोटा भाई हूं आप लोगों का, तो छोटे भाई का तो फर्ज बनता है बड़े भाई से मांगने का, कभी भी मांग सकता है। तो आज मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं, ये केंद्र सरकार बनाने का चुनाव है। पंजाब में 13 सीट है, 13 सीट कम नहीं होती। अगर आप 3 सीट इस पार्टी को, 4 सीट उस पार्टी को, 2 सीट उस पार्टी को दे दोगे तो रायता सा फैल जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। ये 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दे दो, जैसे आपने 117 में से 92 सीट दी थी, आप पता है केंद्र के अंदर आज जो सरकार बैठी है कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने, जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं, जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे लुधियाना, धमकी दे के गए हैं, सुना आप लोगों ने, देखा वीडियो अमित शाह जी, पता है आप लोगों को, किस किस को पता है अमित शाह जी क्या बोल के गए थे? लुधियाना में धमकी दे के गए हैं, 4 जून के बाद पंजाबियों जो सरकार आप लोगों ने चुन के पंजाब में बनाई है, 4 जून के बाद उस सरकार को खत्म कर देंगे, भगवंत मान को आपके मुख्यमंत्री को हटा देंगे। ये तो गुंडागर्दी है यार, ये मतलब आज तक कभी किसी गृह मंत्री को देखा? खुलेआम किसी राज्य के अंदर जाके देश का गृह मंत्री गुंडों वाली बात कर रहा है कि 4 जून के बाद मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। अरे कैसे गिरा देगा यार, 117 में से 92 सीट दी है। ये तो शुक्र है आप लोगों का, शुक्र है वाहेगुरु जी का कि 117 में से 92 सीट दी, 117 में से 60 सीट दी होती अभी तक गिराई दी होती इन लोगों ने, आपने 92 सीट दी फिर भी इनकी इतनी हिम्मत हो गई आके धमकी देके जाने की। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, आप प्यार से मांग लेते एक आध सीट दे भी देते, ये धमकी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने, ये धम हैं जी, I love you too, 3, 4। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। तुमने चैलेंज किया है पंजाबियों को, 3 करोड़ पंजाबी, अब देखना 1 तारीख को तुम्हारा क्या हाल करते हैं पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी। तो आपने 117 में से 92 सीट दी, इसलिए आज मजबूती के साथ हमारे हाथ मजबूत हो गए, मजबूती के साथ आपके काम कर पा रहे हैं। अब ये 13 की 13 सीट दे दो,
ये जो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी, हम आपके हक लेके आएंगे। आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं, पंजाब की कोयले की खान है, पंजाब सरकार की, पंजाब के लोगों की, पंजाब स्टेट की कोल माइंस हैं उड़ीसा में। वो कोल माइंस अभी तक बंद पड़ी थी हमारी सरकार बनने के पहले, हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब खुलवाई हैं, वहां पे कोयला निकालना चालू किया है। हमारे जो थर्मल प्लांट हैं पंजाब में, अब वहां पे हमने अपना कोयला इस्तेमाल करना चालू किया, जो पंजाब का कोयला है। उस कोयले को हमें उड़ीसा से पंजाब लाना था। उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ट्रेन से। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला, उड़ीसा से पहले वो कोयला श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से कांडला पोर्ट गुजरात जाएगा, और गुजरात से पंजाब आएगा। भगवंत मान बोले कि इसको अमेरिका से ही ले आओ, थोड़ा सा ये तो जरा। तो मान साहब ने लड़ लड़ के वो रूट कैंसिल, अगर ये रूट दे देते आपकी बिजली 2 रुपए यूनिट और महंगी हो जाती। यहां पे आप सारे व्यापारी बैठे हो, मैं जानता हूं आपकी पहली डिमांड है कि आपने हमारी घर की बिजली तो सस्ती कर दी, अब इंडस्ट्री की और व्यापार की बिजली भी सस्ती करो। चाहते हो ना सस्ती करें? करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन अगर ये आप सोच के देखो, उड़ीसा से श्रीलंका और श्रीलंका से कांडला और कांडला से पंजाब लेके आते, 2 रुपए यूनिट महंगी हो जाते। मान साहब ने लड़ लड़के ये कैंसिल कराया और सीधे अब कोयला आ रहा है, इन्होंने ट्रेन दी। लेकिन आज अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, एक आदमी कितनी बार लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा? रोज गवर्नर आपके जो बिल पास होते हैं, बिल लेके बैठ जाता है, साइन ही नहीं करता। तो ये 13 MP अगर दोगे, ये 13 MP मान साहब के हाथ बनेंगे, 13 हाथ बनेंगे, और उनसे लड़ने के लिए अगली बार केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसके मंत्री के घर के अंदर घुस के बैठ जाएंगे, जब तक वो फाइल साइन नहीं करेगा आपके तब तक नहीं है कि नहीं टीनू जी? टीनू, पंजाब के लोगों के हक के लिए लड़ना है, तो ये मंत्रियों के घर के अंदर जाके बैठ जाएंगे, जब तक आपका हक लेके नहीं आएंगे तब तक ये वहां से नहीं उठेंगे। हमारी आंदोलन वाली पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है, हैं जी? तो ये ऐसे मत कर देना कि 13 में 4 इस पार्टी को, 2 इस पार्टी को, 3 इस पार्टी, 13 की 13 सीट से ये एक भी कम नहीं चलेगी। और पिछले सारे, जब पिछले 5 साल में 10 साल में जितने MP बनाए आपने, आपने देखे कभी 1 MP ने लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं, इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा, लोकसभा में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं ये। हमारे 13 के 13 आपके लिए काम करेंगे, मैं नजर रखूंगा, मान साहब नजर रखेंगे इनके ऊपर। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। लोग कह रहे हैं जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। कहते हैं केजरीवाल ने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करा, 100 करोड़ रिश्वत ली। मैंने उनसे पूछा 100 करोड़ अगर रिश्वत ली वो कहीं तो मिलेगा? 500 जगह रेड मार ली तुम लोगों ने, एक नया पैसा नहीं मिला, हवा में गायब हो गया क्या 100 करोड़? कहीं कोई कैश मिलेगा, कहीं लॉकर, कहीं बैंक में मिलेगा, कहीं ज्वेलरी मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिला। अभी आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करा आपकी अदालत, उसमें प्रधानमंत्री जी से पूछा कि केजरीवाल कह रहा है कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास सबूत इसलिए नहीं है, रिकवरी इसलिए नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री कबूल कर रहे हैं कि पूरा मामला फर्जी है, कोई सबूत नहीं है कोई। तो क्यों गिरफ्तार किया?
16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करूं, भाषण दूं। उनको डर लग रहा था केजरीवाल पूरे देश में घूम गया, हमारी 10-15 सीट कम कर देगा, इसको अंदर करो। उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया, लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जा केजरीवाल जा, खूब प्रचार कर। और मेरे को 21 दिन की मोहलत दे दी, मैं आप लोगों के बीच में आ गया। और इनके अहंकार का आलम देखो, कितना अहंकार हो गया इनको। अभी पिछले 15 दिन में मोदी जी ने कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखा आप लोगों ने? किस किस ने देखा, जरा से हाथ खड़े। कहते हैं मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं, मैं भगवान का अवतार हूं। आप में से कौन कौन मांगता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? ये क्या हो गया इन लोगों को? संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब कहते हैं मोदी जी देवताओं के देवता हैं। पूरे देश में महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। जनता का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में भगवान कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं। हम रामचंद्र जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, हम वाहेगुरु को मानते हैं। मोदी जी को भगवान नहीं मान सकते हम लोग। और जनता इतनी महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। जनता सोचती है हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ करेगा। टीवी खोलो तो टीवी पे मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं। क्या कहते हैं? ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे। भगवान ऐसे बोलता है? ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, ये तुम्हारी टूटी खोल के, उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे, टूटी खोल के भाग जाएंगे। क्यों टूटी खोल के, क्या मतलब है इसका यार? क्या हो गया उनको? इनको इंडिया गठबंधन वालों को वोट मत दे देना, तुम्हारे घर में दो भैंस है तो एक भैंस खोल के भाग जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी को, वहां बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है, इस बात पे वोट चाहिए। अरे यार ऐसे बताते कि पेट्रोल कैसे सस्ता करोगे, डीजल कैसे सस्ता करोगे, तब तो जनता वोट देती। जनता त्रस्त हो रही है और ये कह रहे हैं मैं भगवान हूं, ये भटकती आत्मा है। पता नहीं क्या हो गया इनको, ऐसा प्रधानमंत्री तो नहीं चाहिए अपने को। कोई पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, इस बार देश को बचाओ, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। एक ये जो बार बार कह रहे थे 400 पार, हमें 400 सीट चाहिए, किसी ने पूछा किस लिए चाहिए, क्या करोगे? 300 से भी काम चल जाता है, सरकार तो चली जाती है। बोले मोदी जी को बहुत बड़े काम करने हैं। तो किसी ने पूछा जी क्या काम करने हैं इतने बड़े? तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करना है, संविधान बदलना है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना है। बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचे हुए इन भगवान ने, इनसे बच के रहो। तो दोस्तों आप लोगों से फिर इतनी भारी संख्या में आ जा पाए हमारी बातें सुनने के लिए, मिलने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक ही वादा चाहता हूँ, मेरे को पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक एक आदमी के पीछे 10-10 हज़ार लोग हैं। आप तो वोट डालोगे ही डालोगे, हर आदमी अपने जितने जान पहचान वाले हैं, जितने एसोसिएशन के लोग हैं, सबके वोट आप लोगों को डलवाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।